सीसीवी न्यूमेटिक पैनल में डिफरेंट कॉक्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह सामने थ्री फेज लोको का नॉर सीसीवी टू पैनल है। इसमें डिफरेंट कॉक्स की सामान्य स्थिति क्या होती है आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दाहिने तरफ देखते हैं। दाहिने तरफ आपको देखिए दो कॉक दिख रहा है जो पैंटो का कॉक है, तो बाएं तरफ का कॉक पैन वन, उसके बाद दाहिने तरफ का पैंटो कॉक। ये दोनों पैंटो कॉक का नॉर्मल पोजीशन ओपन हॉरिजॉन्टल स्थिति में होता है और आइसोलेट पोजीशन अर्थात क्लोज वर्टिकल स्थिति में होता है। डिफेक्टिव पैंटो को डेड लोको मूवमेंट या ट्रेलिंग मोड ऑपरेशन के समय निर्देशानुसार हम लोग पैन वन या पैंटू कॉक को वर्टिकल पोजीशन में रखकर संबंधित पैंटो को आइसोलेट करते हैं। इसके ही बगल में बाई तरफ पैंस कॉक, जिसे IG38 कॉक भी कहते हैं, जिसकी सामान्य स्थिति ओपन अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होता है। जब भी IG38 की को निकालना हो अर्थात लोको ग्राउंड करने के समय, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करी से निकालते हैं। इसी के बगल में VCV का कॉक है, जिसका नॉर्मल पोजीशन ओपन अर्थात हॉरिजॉन्टल होता है और आइसोलेट पोजीशन क्लोज अर्थात वर्टिकल होता है। इसके लेफ्ट साइड में अनलोडर कॉक है, जिसकी सामान्य पोजीशन ओपन अर्थात हॉरिजॉन्टल और आइसोलेट पोजीशन अर्थात क्लोज वर्टिकल होती है। जब MR मेंटेन नहीं होता है तो उस परिस्थिति में TSD के गाइडेंस के अनुसार हम लोग अनलोडर को इस कॉक के द्वारा आइसोलेट कर सकते हैं। इसके लिए इसे वर्टिकल पोजीशन में रखना पड़ेगा। इसी के बगल में बाएं तरफ दो कॉक हैं, सैंड वन कॉक और सैंड टू कॉक, जो सामान्य स्थिति में ओपन अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। आइसोलेट पोजीशन इसका क्लोज अर्थात हॉरिजॉन्टल होता है। जब डिफेक्टिव सेंडर EP वाल्व के चलते MR लीकेज हो रहा है या MR मेंटेन नहीं हो रहा है, उस परिस्थिति में आप K1 से ड्राइव कर रहे हैं तो सैंड वन कॉक को, और K2 से ड्राइव कर रहे हैं तो सैंड टू कॉक को आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दीजिए। इससे यह कॉक आइसोलेट पोजीशन में आ जाएगा और MR मेंटेन हो जाएगा। इसके बाएं तरफ एक लाल कॉक है, जिसे सीफा अर्थात 74 कॉक के नाम से भी जाना जाता है। इसका नॉर्मल पोजीशन ओपन अर्थात वर्टिकल होता है, जो सामने दिख रहा है। टाओ डेड या ट्रेल डेड करने की स्थिति में हम लोग 74 अर्थात सीफा कॉक को बंद कर देते हैं अर्थात आइसोलेट कर देते हैं और यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाने से होता है। तो इसका आइसोलेट पोजीशन क्लोज अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। गाड़ी चार्ज लेने के समय आप इसे वर्टिकल पोजीशन में होना सुनिश्चित कीजिए। इसी के नीचे एक कॉक है, जिसे फीड पाइप कॉक 136 के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नॉर्मल पोजीशन ओपन हॉरिजॉन्टल होता है, आइसोलेट पोजीशन क्लोज वर्टिकल होता है। बैंकिंग मोड, टाओ डेड, ट्रेल डेड या MU में पीछे का लोको में यह आइसोलेट पोजीशन में रहता है अर्थात वर्टिकल पोजीशन में रहता है। सामान्य स्थिति में आप इसे हॉरिजॉन्टल अर्थात ओपन पोजीशन में सुनिश्चित कीजिए। सबसे बाएं तरफ ऊपर में तीन कॉक हैं, जो सबसे ऊपर का कॉक FC अर्थात हार्मोनिक फिल्टर कॉन्टैक्टर 8.1 और 8.2 का आइसोलेटिंग कॉक है। सामान्य स्थिति में यह वर्टिकल अर्थात खुला होगा।
हार्मोनिक फिल्टर को आइसोलेट करने की स्थिति में या हार्मोनिक फिल्टर जब काम न कर रहा हो तो आप इसे क्लोज पोजीशन में अर्थात आइसोलेट पोजीशन में रखिए, जो इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, सामने जो दिख रहा है। सामान्य स्थिति में आप इसे वर्टिकल पोजीशन में होना सुनिश्चित कीजिए। इसके नीचे दो कॉक हैं, TC1 और TC2। ये दोनों ट्रैक्शन कन्वर्टर के कॉन्टैक्टर के आइसोलेटिंग कॉक हैं। तो GTO बेस्ड यदि ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो यह ओपन पोजीशन अर्थात वर्टिकल पोजीशन में होगा, और IGBT बेस्ड यदि ट्रैक्शन कन्वर्टर है तो उस परिस्थिति में या क्लोज पोजीशन अर्थात हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा। इसके बाद में नीचे की तरफ दाहिने तरफ में एक कॉक दिख रहा है जो लाल कलर का है, जिसे परकॉस भी कहते हैं। इसका नॉर्मल पोजीशन क्लोज अर्थात हॉरिजॉन्टल होता है। न्यूमेटिक फेलियर के केस में जब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाता है CCV2 लोको में, तो PTDC करने के समय हम लोग इसे वर्टिकल पोजीशन में रख देते हैं। जब भी लोको पायलट लोको चार्ज लेगा तो आप इसे नॉर्मल पोजीशन में होना अर्थात क्लोज पोजीशन में होना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना सुनिश्चित करेगा। इसके राइट साइड में एक कॉक है 47, जिसे डेड इंजन कॉक भी कहा जाता है, जिसका सामान्य स्थिति नॉर्मल पोजीशन अर्थात क्लोज आउट पोजीशन है, और ओपन इन पोजीशन जैसे टावर डेड ऑपरेशन करना हो तो उसी परिस्थिति में हम लोग इसे इन पोजीशन में रखते हैं, नहीं तो सामान्यतः हमेशा एक क्लोज या आउट पोजीशन में रहेगा। तो ये सभी न्यूमेटिक कॉक्स हैं जिसका नॉर्मल पोजीशन में होना लोको पायलट सुनिश्चित करें। राइट साइड में एक देखिए कॉक दिख रहा है जो न्यूमेटिक पैनल के मॉइस्चर को ड्रेन करने के लिए कॉक है। सामान्य स्थिति में पैरेलल टू पाइपलाइन होता है जो सामने दिख रहा है आपको। लोको पायलट चार्ज लेने के समय इसी पोजीशन में इसे सुनिश्चित करेगा, और ड्रेन करना हो तो फिर अक्रॉस टू पाइपलाइन अपने तरफ इसे ऊपर खींचेंगे तो न्यूमेटिक पैनल का मॉइस्चर इस पाइपलाइन से नीचे की ओर ड्रेन हो जाएगा, और फिर इसे आप पैरेलल टू पाइपलाइन कर दीजिए। इसी के पीछे एक RS का ड्रेन कॉक है जो RS प्रेशर को ड्रेन करने के लिए यूज होता है। जब लोको ग्राउंड करते हैं और IG38 की को निकालना होता है तो उस समय RS प्रेशर को ड्रेन कर IG38 की को आप मूव कर निकाल सकते हैं। अभी देखिए न्यूमेटिक पैनल के बाएं पीछे की ओर कॉक 94 है, जिसका सामान्य स्थिति ओपन पैरेलल टू पाइपलाइन होता है। लोको पायलट चार्ज लेने के समय इस कॉक को भी देख लेगा कि ये पैरेलल टू पाइपलाइन है कि नहीं है। धन्यवाद।